इस चीज़ को चेक करें कितनी खूबसूरत है। अगर दीवार पे इसको लगाएंगे, इसको हैंग करेंगे तो कितनी हसीन लगेगी। तो ये वॉल हैंगिंग जो होम डेकोर आइटम्स होते हैं ये उससे रिलेटेड है। इसके अलावा मैंने वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। ये चेक करें आप, इनका ये पोर्शन कितना खूबसूरत है। ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, पॉट्स होते हैं, वो पड़े हुए हैं। इसके अलावा वॉल फ्रेम्स पड़े हुए हैं। सारी चीज़ें जो है ना आपको $1 के अंदर मिलेगी। फोटो फ्रेम कितने खूबसूरत हैं। इसके अलावा ये कुशन चेक करें, ये आप सोफे पर रखें, ये सोफा आपका सज जाएगा। बेड पर रखें, कहीं पर भी रखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके मुझे इसके अलावा और हर तरह के जो कुशन वगैरह यहाँ पे पड़े हुए थे, काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे। इसके अलावा ये छोटे छोटे जो आर्टिफिशियल फ्लावर जो पॉट्स होते हैं वो पड़े हुए हैं, तो ये कहीं पर भी हम रख सकते हैं। मेरा मशवरा यही है कि भाई रमज़ान से पहले, ईद से पहले अपने घर को अच्छे से सजा लें, आ जाएं, विज़िट करें और जो चीज़ पसंद है वो ले जाएं। इसके अलावा बच्चों की भी बड़ी मौज की चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। बच्चों का जो छोटे छोटे टॉयज होते हैं और बहुत सारे जो स्टेशनरी के आइटम्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। स्लाइम्स इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी, और इसके अलावा जो छोटी छोटी डायरीज जो है ना, बुक्स पड़ी हुई थी, ये शॉपनर के पूरे पूरे बॉक्स पड़े हुए थे यहाँ पे। इनमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, मतलब एक दफ़ा बंदा ले ले और कई महीनों तक आप बच्चों को अपने आराम से देते रहो। इसके अलावा कलर पेंसिल भी बहुत सारी थी, तो बहुत मज़े की वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, रब के फजल से खैरियत से होंगे। तो जनाब, कल मैंने आपको जो तारिक रोड पे $1 शॉप है उसका विज़िट करवाया था, और उसमें जो ऑल जो होम अप्लायंस और क्रॉकरी के आइटम्स जो है ना वो मैंने कवर किए थे, वो मैंने आपको उनको डिटेल से बताया था। $1 के अंदर कितने पीसेस मिल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई थी। और आज मेरा फोकस सारा जो है ना वो होम डेकोर आइटम्स जो होते हैं उसके ऊपर है, डेकोरेशन पीसेस के अंदर है, कि वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी कुछ बच्चों से रिलेटेड कुछ सामान होता है स्टेशनरी वगैरह को। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये जो हमारी जो एंट्रेंस है बड़ी खूबसूरत सी है, यहाँ वास फ्लावर वास वगैरह पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा ये देखिए बच्चों का कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है। और इसके अलावा चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप एक इसको चेक करें कि इसकी क्वालिटी चेक करें, ये $1 में आपको मिलेगा। ये देखिए कितने खूबसूरत जो है ना इसके डेकोरेशन पीसेज हैं। ये आप कहीं पे भी, ये वॉल फ्रेम्स पड़े हुए हैं पुरानी आयात के। इसके अलावा बहुत सारी, असल में इतना ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि आपको फिर जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। इसमें आप कोई भी गिफ्ट, कोई रिंग्स, कोई भी चीज़ डाल के दे सकते हो। रोटी मेकर पड़े हुए हैं, ये भी मैंने आपको बताया था अच्छी क्वालिटी थी इनकी। बास्केट्स पड़ी हुई हैं बड़ी फैंसी सी, इनको भी आप किसी को एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, इसमें कुछ चॉकलेट्स वगैरह भर के। इसके अलावा टिशू बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। ये सारा सामान जो है ना आपको $1 में मिलेगा। डॉलर का रेट आपको पता ऊपर नीचे होता रहता है। इसके अलावा जो लैम्प थे वो मुझे दिखे थे बड़े खूबसूरत थे, ये सारे लैम्प हैं, ये $1 में आपको मिलेगा। आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, कितना खूबसूरत है, जस्ट $1 के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी। ये जो होम डेकोर का आइटम्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। वास कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा है, इसका साइज़ चेक करें कितना ह्यूज साइज़ है, कुछ छोटे मोटे नहीं है। और इसके अलावा ये अगेन आ जाए वॉल फ्रेम्स के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत है। जो वॉल हैंगिंग जो होते हैं आइटम्स वो भी पड़े हुए हैं, ये बहुत ही प्यारे थे। बीच में बच्चों का सामान भी रखा हुआ था, बीच में ये चीज़ें भी ऐड की हुई थी। मिरर कितना खूबसूरत है, फैंसी मिरर है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे कितने खूबसूरत हैं। मैंने लास्ट वीडियो जो सेविंग वर्ल्ड में बनाई थी आपको याद होगा, वो अगर नहीं देखी तो चेक करिएगा, जाके देखिएगा। तो उसमें ये थोड़ा साइज़ में छोटे थे, लेकिन यहाँ पे ये जो आइटम्स पड़े हुए हैं बहुत खूबसूरत और साइज़ में भी पड़े हैं। इसके अलावा ये चेक करिए, सारे फ्रेम्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम जो ना होम डेकोर में आती हैं। इसके अलावा कुछ सॉक्स वगैरह, ये कुशंस वगैरह आप चेक करें कितने खूबसूरत है, कितने सॉफ्ट है। आप सोफ़ा सेट पे इसको रखें और बेड पे रखें तो बहुत ही हसीन लगते हैं। और ये जो इमोजीज वाले होते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट था, ये भी बहुत अच्छा। मकसद ये कि मैं आपको दिखा दूँ ओवरऑल, एक पूरा इसका आपको विज़िट करवा दूँ, ताकि आपको आज आने में आपके माइंड में ये चीज़ हो कि यार यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है, इस चीज़ को चेक करें ज़रा, ये इसकी साइज़ भी चेक करें। और बहुत ही खूबसूरत था। इसके अलावा बीच में क्रॉकरी वगैरह मिक्स थी,
तो क्रॉकरी से रिलेटेड मैं सारा ओवरऑल आपको कल दिखा चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा वो चैनल पे जाके कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये सारा मैं उस पर मैंशन कर चुकी हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो होते हैं वॉल डिकोर आइटम्स जो होते हैं, वॉल हैंगिंग, वो बड़े खूबसूरत पड़े हुए थे। यहाँ पे इतनी प्यारी सी आवाज़ आ रही थी, उसमें साउंड इतना अच्छा सा आ रहा था, ये आप सुन सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, ये भी आपको $1 में ईच मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा चलें, ये आप राइट चेक करें, इसके अलावा जो डोर मैट्स होते हैं वो भी पड़े हुए थे, उनकी भी काफ़ी वैरायटी थी। इसके अलावा ये भी वॉल हैंगिंग जो है, ये भी उससे रिलेटेड जो पड़े हुए पीसेस, ये कुछ ये थोड़े से थे लेकिन मैंने फिर भी मैंने बोला आपको मैं दिखा दूँ। इसके अलावा बेतहाशा सामान है, ये सारे होम अप्लायंस हैं, ये आप देख सकते हैं। जूते मैंने कल भी दिखाए थे, तो आज थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको दिखाती हूँ। ज़रा अच्छे से चेक कर लें भाई, कलर चेक करें, वो मायों में बंदा पहन सकता है येलो वाला, जस्ट $1 के अंदर। ये चप्पलें शप्पलें सारी जो हैं, ये सब $1 में आपको ईच मिलेंगी। इसके अलावा दोबारा से आ जाए होम डेकोर पे आइटम्स पे, ये आप पूरा इनका जो है ना एरिया जो है ना ये चेक करें, कितना खूबसूरत है। अच्छा चलें, आप बच्चों पे आ जाते हैं। बच्चों का ये जो प्ले ग्रुप के कुछ आइटम्स होते हैं, कुछ टॉयज होते हैं छोटे छोटे से, तो कल भी मैंने आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया था, तो आज मैं इनको डिटेल से आपको दिखाने वाली हूँ। ये आप देख लें, चेक कर लें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये छोटे बच्चों की जो मेकअप किट जो होती है ना, वो भी पड़ी हुई है। बच्चों को गर्ल्स को बड़ा शौक होता है इन चीज़ों का, तो अच्छा है ना यहाँ से दिला के आप टेंशन फ्री हो जाए, बच्चा खेल के पैसे वो कर देता है कि भाई ठीक है जितने की चीज़ थी उतने दिन बच्चे ने खेल लिया। इसके अलावा बेतहाशा सामान था बॉयज़ की, ये कार जो बॉयज़ को ज़्यादातर लोग बच्चे दिलाते हैं, जैसे ये चीज़ें होती हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी, एक से एक बढ़ के जो है ना यहाँ पे यूनिक आइटम्स पड़े हुए थे। और तो मैं बस ये कि आपको पूरा इसका मैंने दिखा दिया है कि भाई यहाँ पे कौन कौन सा सामान है, आपको देख के खुद फैसला करना होता है इंसान को कि यार ये चीज़ मेरे मतलब की है या नहीं है, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आजकल महंगाई का दौर है, बहुत महंगे जो है ना टॉयज वगैरह नहीं दिला सकते, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ बच्चों को साथ ले जाओ। और जो उनको ये देखे छोटी गर्ल्स बच्चियों का जैसे होता है ना, वो किचन का एक पूरा सेट बना होता है, तो उनको बड़ा शौक होता है। हम भी बचपन में ये सब कर चुके हैं, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि इन चीज़ों की क्या अट्रैक्शन होती है बच्चों के लिए। और इसके अलावा ये तलवारें भी पड़ी हुई हैं प्लास्टिक की, और इसके अलावा एक से एक अच्छा स्टेशनरी भी यहाँ पर बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये नेल्स भी पड़े हुए हैं बच्चियों के, जैसे बच्चों हम लगाते हैं नेल्स वगैरह, तो बच्चियों के भी। अच्छा, इसके अलावा स्टेशनरी यहाँ पे ये पूरे पूरे बॉक्सेस हैं, इसमें मेरा ख्याल काफ़ी सारे शॉपनर होंगे, बहुत काफ़ी क्वांटिटी आप चेक करें, मैंने इसीलिए उठा के दिखाया था, मैंने बोला आपको पता चल जाए, ये भी आपको $1 में ईच मिलेगा। इसके अलावा ये सारी चीज़ें इसी तरह, ये कुछ कुछ शॉपनर्स थे, बॉक्सेस बने हुए थे लेकिन फैंसी बनाए हुए थे, उनके अंदर पेंसिल्स थी, ज्योमेट्री बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ये भी इनकी क्वालिटी भी मैंने चेक की थी, ये भी अच्छी है, चलने वाली है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन चलेगी और ख़राब हो जाएगी, ये भी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है ना, उनको जैसे स्टार्टिंग में उनको खुद घर में लोग पढ़ाते हैं, तो उनके लिए पिक्चर्स वगैरह देख के जो उनको नाम याद करवाते थे, वो भी पड़ी हुई थी यहाँ पे, ये भी आप ले सकते हो। स्लाइम्स वगैरह भी पड़ी हुई थी, ये भी हम भी खेलते हैं भाई, हमें अभी तक हमारा शौक नहीं ख़त्म हुआ, तो ये भी पड़ी हुई थी यहाँ पे, ये भी आपको $1 में ईच मिलेगी। ये कलर्स बॉक्स बनी पड़े हुए हैं, इसमें 18 जो है पीसेस हैं, इसके 18 कलर्स मिलेंगे आपको, डिफरेंट कलर्स हैं। और इसके अलावा ये स्लाइम पड़ी हुई थी। इसके अलावा भाई यहाँ पे बहुत सारा सामान, ये पेंटिंग शेंटिंग जो पेंटिंग बच्चे वगैरह करते हैं उनके लिए भी पूरा सामान पड़ा हुआ था। पार्टी जो आइटम्स हैं जैसे बर्थडे वगैरह पे कैप्स वगैरह होती है, वो भी पड़ी हुई थी। वैसे भी सर्दियाँ चले गई हैं, तो ये वाली कैप तो दूसरी वाली तो मेरा ख्याल आपको यूज़ नहीं। ये स्लाइम्स के बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी। बस जनाब ये देख लें आप, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल मैं आपको ज्वेलरी और मेकअप पे फोकस करूंगी। ये सॉक्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो चलते हैं वापस। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा और येस्टरडे वाली भी ज़रूर देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।